شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं आपका मेज़बान हैदर कानपुरी हुसैनी अज़दार प्रोडक्शन कानपुर की जानिब से आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो रहा हूँ बहारे रमज़ान 2020। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आली जनाब मौलाना अलमदार हुसैन साहब क़िबला इमाम जुमा जूही कानपुर। आइए हम जनाब की खिदमत में चलते हैं। जनाब सलाम अलैकुम। जनाब आज पहली रमज़ान है, आप पहले रमज़ान की दुआ तर्जुमा और पहले रोज़े की फजीलत हमारे नाज़रीन को बताइए। अलैकुम सलाम। आज हम नाज़रीन की खिदमत में माह रमज़ान के फजीलत और माह रमज़ान के पहले दिन की दुआ लेकर के हाजिर खिदमत हैं। इंशाल्लाह इस दुआ के ऊपर हम तर्जमा और तफसीर करेंगे ताकि इस नाज़रीन को इसका ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। पहले दिन की दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा जअल सियामी फीहि सियामस साइमीन, यानी पहले दिन की दुआ में हम अपने परवरदिगार से कहते हैं, ऐ मेरे अल्लाह तू मुझे इस महीने में रोज़ेदारों में मेरा शुमार करना। आज आप देखिए कौन नहीं चाहता कि उसका शुमार साइमीन में हो, रोज़ेदारों में हो। अब अगर हम रोज़ा रखते हैं तो यकीनन हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगारा मेरे रोज़ा रखने को कबूल कर ले और जो तेरे नज़दीक रोज़ादार हैं उनमें हमें शामिल कर ले। तो पहले दिन की दुआ में अल्लाहुम्मा जअल सियामी, ए मेरे परवरदिगार तू मुझे करार दे देना मेरे रोज़े को फी है इस रमज़ान में सियामस साइमीन, रोज़ेदारों की फीस में। व क़यामी, और ऐ मेरे परवरदिगार तू मेरे क़याम को कि जो मैं तेरी बारगाह में खड़ा होता हूँ, तेरी बारगाह में मुनाजात करता हूँ, तेरी बारगाह में राजो नियाज करता हूँ, फी है इस माह में इस महीने में क़यामल क़ाइमीन, तो तू मेरा शुमार उन लोगों में करना कि जो तेरे नज़दीक क़ाइमीन में से हैं और ऐसे क़ाइमीन कि जो तेरी बारगाह में दस्ते दुआ को बुलंद किए हैं, कोई क़याम की हालत में है, कोई रुकू की हालत में है, कोई सजदे की हालत में है, कोई तस्बीह की हालत में है। तो परवरदिगारा इस महीने में तू मुझे क़ाइमीन में से शुमार करना। व नब्बेहनी फी है, और ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझे मुतवज्जे करना इस महीने में अन नौमतिल गाफिलीन, किन चीज़ों की तरफ, ऐसी नींद की तरफ कि जो नींद हमें गफलत की तरफ लेकर के जाती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस माह मुबारक रमज़ान में हम गफलत की नींद सो जाएं और एक महीना जो बहार का फजीलतों का खूबियों का परवरदिगार आलम ने अपने फ़ज़ल और करम से हमें अता किया है उसमें कहीं हम गाफिल ना हो जाएं और रोज़ा जैसी नेमत से महरूम ना हो जाएं। क्योंकि रमज़ान एक तरफ उसकी आमद होती है तो उतनी ही जल्दी उसकी रुखसत भी होती है। लिहाजा हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझे मुतवज्जे रखना इस महीने में ताकि मैं गफलत करने वालों में शुमार ना हो और गाफलिन में से ना हो जाऊँ। वहबली जुर्मी फी है, और ऐ मेरे परवरदिगार
तू इस महीने में मेरी ख़ताओं को कबूल कर लेना, मेरी गलतियों को अपनी बारगाह तक शरफ़ कबूलियत अता कर लेना, ताकि कम से कम हम तौबा करके तेरी बारगाह में इस तरीके से हाजिर हों कि हमारी रूहों के ऊपर, हमारे जिस्मों के ऊपर, हमारे ख्यालात के ऊपर, हमारी फिक्रों के ऊपर कोई गुनाह का बोझ ना हो। और अगर मैं तेरी बारगाह में तौबा भी करता हूँ तो कम से कम तू तौबा को कबूल करके मेरी रूह को ताहिर कर दे, मेरे जिस्मों को ताहिर कर दे। या इलाहल आलमीन, और ए तमाम दुनिया के पालने वाले, क्योंकि पूरी दुनिया का मालिक तू है, पूरी दुनिया का परवरदिगार तू है, तो अब अगर तू कबूल नहीं करेगा तो भला कौन है जो इस महीने में मेरी ख़ताओं को कबूल करे। वाफो अन्नी, और ए मेरे परवरदिगार तू मुझे इस महीने में माफ़ कर देना। या आफियन अनिल मुजरिमीन, क्योंकि तू गुनाहगारों की और ख़ताकारों की ख़ताओं को माफ़ करने वाला है, गुनाहगारों के गुनाहों को नज़रअंदाज करने वाला है और उनकी तौबा को कबूल करने वाला है। अब अगर तू इस माह रमज़ान में हमारे पहले दिन की तौबा को कबूल नहीं करेगा तो यकीनन हम खसारे में होंगे। नाज़रीन, हम आपकी खिदमत में पहले रोज़े की फजीलत बयान करना चाहते हैं कि अगर कोई शख्स माह रमज़ान में रोज़ा रखता है तो रोज़ा रखने के साथ साथ उसे अजर कितना मिलता है। तो इसके लिए पैगंबर ने इरशाद फरमाया, माह रमज़ान में जो भी शख्स पहला रोज़ा रखता है तो अल्लाह उस उम्मत के तमाम गुनाहों को बख्श देता है, चाहे वो ज़ाहिर में या पोशीदा हो। और तकरीबन 20 लाख दर्जे अल्लाह अता करता है और 50 शहर उस रोज़ेदार के लिए तामीर करता है। जनाब, हमारा पहला सवाल है, क्या रमज़ान के रोज़े बीवी अपने शौहर की इजाज़त के बिना रख सकती है या नहीं? आपका सवाल बहुत अच्छा है। हम नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ करते चलें कि परवरदिगार आलम ने माह मुबारक रमज़ान का रोज़ा हर बालिग मर्द और औरत के ऊपर, जो साहिब तकलीफ़ शरिया जिनके ऊपर वाजिब हैं, साहिब तकलीफ़ हैं, उन पर रोज़ा रखना वाजिब है। अब रहा सवाल ये कि क्या औरत माह रमज़ान में शौहर की इजाज़त के बग़ैर रोज़ा रख सकती है या नहीं, तो इसका जवाब यह है कि माह रमज़ान का रोज़ा चूँकि अल्लाह ने फ़र्ज़ कर रखा है, लिहाजा इसमें शौहर की रज़ामंदी की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मुस्तहबी रोज़ा शौहर रखने से मना करता है तो ज़ौजा को चाहिए कि उसका कहना और उसका हुक्म माने और मुस्तहबी रोज़ा रखने से परहेज़ करे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको रमज़ान से मुतालिक कोई भी सवाल पूछना है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। हम कल फिर आपकी खिदमत में बहार रमज़ान का दूसरा एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।